नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। सफल साबित हो रहे महंगाई राहत कैंप, लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा पहुंचा 1,19,00,000 के पार। 5,45,00,000 से ज्यादा बने गारंटी कार्ड धारक। चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के बीच एमओयू। विज्ञान और मानविकी व स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुसंधानों को मिलेगा बढ़ावा। खाद्य मंत्री ने राशन डीलरों को किया आश्वस्त, राशन की दुकानों के वितरण सामग्री का होगा समानीकरण। पाली जिले से होगी शुरुआत। राज्य सरकार द्वारा आयोजित महंगाई राहत कैंप अपनी अनूठी पहल के कारण देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। ये कैंप समाज के हर वर्ग को किसी न किसी रूप में राहत पहुंचाकर जन कल्याणकारी सरकार के संकल्प को पूरा कर रहे हैं। राजधानी जयपुर में बैठा व्यक्ति हो या सुदूर गांव ढाणी में रहने वाला आम आदमी, कैंपों के जरिए सभी प्रदेशवासियों को समान रूप से लाभान्वित किया जा रहा है। महंगाई राहत कैंप में अब तक 1,19,00,000 से ज्यादा परिवारों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जबकि 5,45,00,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग और मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के बीच मंगलवार को एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा श्री टी रविकांत, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय वाइस डीन प्रोफेसर कीथ ब्रेनन सहित कई अधिकारियों की उपस्थिति में ये एमओयू साइन किया गया। श्री टी रविकांत ने बताया कि चिकित्सा मंत्री श्री परसादी लाल मीणा के निर्देशन में अनुसंधान साझेदारी विकसित करने के उद्देश्य से ये एमओयू साइन किया गया है। इससे अकेडमिक गतिविधियों और अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। आपसी अनुभव साझा होने से मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को वैश्विक पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा कि राजस्थान पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोले जा रहे हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने शासन सचिवालय में राशन डीलर्स के साथ उनकी समस्याओं को लेकर बैठक ली। उन्होंने राशन डीलरों को समस्याओं के समाधान के लिए आश्वस्त करते हुए कहा कि वे राशन डीलरों की समस्या की गंभीरता को समझते हैं और उनके समाधान के लिए सकारात्मकता के साथ विचार किया जाएगा। श्री खाचरियावास ने अधिकारियों को राशन डीलरों की समस्या के समाधान के लिए एक कमेटी गठित करने के भी निर्देश दिए। खाद्य मंत्री ने बताया कि राशन की दुकानों से वितरण होने वाली पीडीएस सामग्री के लिए दुकानों का समानीकरण किया जाएगा। पहले पाली जिले से प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत की जाएगी। इसके सफलता के बाद इसे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में राशन डीलरों का कमीशन बढ़ाने और छीजत की भरपाई करने सहित मांगों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उदयपुर के खेरवाड़ा में नया गांव पंचायत समिति के सकलाल गांव में आयोजित महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए प्रतिबद्ध है और बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। प्रदेश के हर व्यक्ति को राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और हर वर्ग को महंगाई से राहत देने के लिए प्रदेश में महंगाई राहत कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में लगाई गई विभिन्न विभागीय स्टॉल्स पर लाभार्थियों को दी जा रही सेवाओं की जानकारी ली और योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे महंगाई राहत कैंपों का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाने का आह्वान भी किया। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंगलवार को डूंगरपुर जिले के पीठ सीमलवाड़ा में जैन समाज के शांतिनाथ जिनालय के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में शिरकत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश में खुशहाली की कामना की। साथ ही नवनिर्मित मंदिर का अवलोकन करते हुए व्यवस्थाओं की सराहना की। उन्होंने जैन मुनि आज्ञा सागर महाराज का आशीर्वाद भी लिया। साथ ही आचार्य कनक नंदी द्वारा लिखित जैन धर्मशास्त्र का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भगवान महावीर के सिद्धांत हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने भी जैन मुनियों के बताए सत्य, अहिंसा और शांति के मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने कहा कि सत्य का कोई विकल्प नहीं है, सत्य ही ईश्वर और सेवा ही परमो धर्म है। छोटे गांव में भी आपने मंदिर की प्रतिष्ठा आपने पहल की, उसके लिए आपको बधाई की पात्र हैं। जैन समाज और जैन धर्म की जो संदेश है वो सदियों से चला आ रहे हैं और संदेश कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी ने कहा
शक्ति ईश्वर है और ईश्वरी शक्ति है, गॉड इज ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड, ये बात सबको मन में गांठ बांध लेनी चाहिए कि सत्य का विकल्प है नहीं दुनिया के अंदर। सदियों से, हजारों सालों से हमारे पूर्वज थे, उन्होंने भगवान महावीर और अनुराग भगवान और दुशांत कुमार का हुए और जमाने के अंदर भी सबका मानना है सत्य है, वो भगवान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन पर प्रदेश की महिलाओं को फ्री मोबाइल फोन दिए जाएंगे, साथ ही महिलाओं के लिए उड़ान योजना के तहत निशुल्क सैनिटरी नैपकिन भी दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने के लिए काम किया जा रहा है। 1,35,00,000 मोबाइल फोन अच्छी क्वालिटी के, 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री, वो आपको मिलेगा मेरी बहनों को, माताओं को, ये मैं कहना चाहता हूँ। ये महिलाओं का सशक्तिकरण होगा। उड़ान योजना 600 करोड़ रुपए की है, ये जो आपको नैपकिन मिल रहे हैं, पहले संकोच में बोलते नहीं थे लोग, महिलाएं घूंघट में थी गांव के अंदर, बार बार इन्फेक्शन होता है, नैपकिन बना रही राजनीति वाले बना रहे हैं, मेडिकल वाले बना रहे हैं, जो अमीर और पैसे वाले नैपकिन काम लेते हैं महिलाएं है, महामारी के वक्त में वही हमारे एससी के हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, ट्राइबल हो, सबको मिलेंगे गांव गांव के अंदर फ्री 12 नैपकिन 1 महीने के मिलेंगे। इतना बड़ा फैसला हमने किया है। अभी हमने राजीविका वाली बहने हैं उनके लिए मुझे खुशी 30,00,000 महिलाओं को हमने लोन दिलाया है, 2,324 करोड़ रुपए का लोन दिलाया है। आप सोच सकते हो महिला मजबूत बने आदिवासी क्षेत्र में, उसके लिए पूरा हम लोग ध्यान रख रहे हैं। चित्तौड़गढ़ जिले में मंगलवार को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना की ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। देवस्थान विभाग की इस योजना के तहत जिले के 900 बुजुर्ग तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। इनमें 810 रेल से और 90 वरिष्ठ नागरिक हवाई यात्रा करेंगे। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा जून के महीने में प्रस्तावित है। महंगाई राहत कैंपों में लोगों को राज्य सरकार की 10 प्रमुख योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लोग बड़ी संख्या में इन कैंप्स में पहुंचकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जता रहे हैं। मेरा नाम सुभाष लुनिया है, मैं यहाँ से महंगाई राहत कैंप आया, मुझे कई योजनाओं के लाभ मिला, जैसे 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन मिल रही है, 10,00,000 का दुर्घटना बीमा मिल रहा है, 100 यूनिट बिजली फ्री मिल रही है, 25,00,000 का स्वास्थ्य बीमा मिल रहा है। मैं राजस्थान सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के द्वारा यहाँ पे एक कैंप लगाया गया है, जिसमें राहत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। जनसेवा में उनका लाभ लेने के लिए यहाँ पर आई और मुझे सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही है। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और टीकाराम जूली जी का धन्यवाद करती हूँ। मुझे सरकार की तरफ से 1,000 रुपये होगी लाज के साथ साथ मुझे राशन भी मिलने लगता है, गैस सिलेंडर 500 रुपये, चिरंजीवी बीमा मेरा 25,00,000 का, सरकार का बहुत धन्यवाद करती हूँ। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर श्री सौरभ स्वामी के मार्गदर्शन और अनूपगढ़ नगर पालिका के नवाचार हरित बगिया से अनूपगढ़ न केवल महका है बल्कि उसका रंग रूप भी संवरा है। अनूपगढ़ नगर पालिका की ओर से किए गए इस नवाचार की उपयोगिता इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनूपगढ़ को जिला बनाने की घोषणा की है। हरित बगिया अभियान स्वच्छता, सुंदरता और रोजगार उपलब्ध करवाने के क्षेत्र में नगर पालिका के लिए वरदान साबित हो रही है। नमस्कार, मैं संदीप बिश्नोई, अच्छासी अधिकारी नगर पालिका अनूपगढ़, जिला श्री गंगानगर। नगर पालिका अनूपगढ़ के द्वारा हरित बगिया अनूपगढ़ की एक योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के अंदर जिला कलेक्टर महोदय श्री सौरभजी स्वामी का पूर्णतः मार्गदर्शन रहा है। इस योजना के अंदर हमने घरेलू अनुपयोगी सामान से जो है गमलों के रूप में प्रयोग किया है, हमने पौधारोपण किया है, इंडोर गार्डनिंग की है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।